नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम गौतम कुंडशेट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं CAB कैब, CAA और NRC के बारे में। आज के लिए टर्म दोस्तों आप न्यूज़पेपर में और अखबार में बहुत देख रहे होंगे, तो आखिर इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, थोड़े दिन पहले ही अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। दोस्तों ये था कि एक्चुअली ये था कि तीन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, जो सिक्स माइनॉरिटी ग्रुप जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इन छह कम्युनिटी को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये प्रावधान था इसमें। और इसमें एक कंडीशन और थी दोस्तों, किन को दी जाएगी? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए इन तीन देशों से, ठीक है, और यहाँ पे 5 साल से वो रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? सिटीजनशिप मिलने के बाद ये भारत के नागरिक हो जाएंगे और इनको वो सभी अधिकार मिलेंगे जो आपको और हमें हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, ठीक है, तो ये सब अधिकार इनको मिल जाएंगे। पहले दोस्तों ये टाइम टेबल 11 साल था कि अगर पूरी दुनिया में से कोई भी हिंदुस्तान में आके बसता है तो उसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल रहना अनिवार्य था। फिर ये टर्म हुई 7 साल, अब ये टर्म कर दी गई 5 साल। लेकिन इसमें दोस्तों मुस्लिम नहीं शामिल है इन छह माइनॉरिटी ग्रुप में। क्यों? क्योंकि सरकार का ये तर्क है कि ये जो तीन देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों में ही मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो धार्मिक आधार पर उनको तंग किया गया वहाँ पर, जो छह कम्युनिटी है बाकी की, तो उनको ही भारत में नागरिकता दी जाएगी। हाँ, इसमें यह भी है कि भाई मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जा सकती है, तो उनको 11 साल रहना होगा इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। ये है CAB कैब। अब इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए कि अब CAA क्या है। CAB बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर हो गया राष्ट्रपति के पास प्रेजिडेंशियल एसेंट के लिए। तो जैसे ही राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर किए तो CAB बन गया CAA। CAB जो बिल होता है दोस्तों वो एक्ट बन जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। तो CAB था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब तीसरी है NRC। देखिए दोस्तों, NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सिटीजन का एक नेशनल रजिस्टर है जो, ठीक है दोस्तों, प्रीपेड बिहाफ ऑन 1951 सेंसस, जो पहली बार 1951 में जो सेंसस हुआ था, मतलब सेंसस पहली बार नहीं था, 1951 के सेंसस के आधार पर पहली बार NRC को बनाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स ये तब से लेकर आज तक अपडेट नहीं हुआ। अब ये सबसे पहले अपडेट कहाँ किया जा रहा है? असम के अंदर। फिलहाल आप कह सकते हैं कि सिर्फ असम तक ही सीमित है, लेकिन अभी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि पूरे देश में लागू होगा। तो अब ये समझ लीजिए आखिरकार ये है क्या। देखिए 1920 के बाद जो, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक था, तो बंगाल से बहुत ही ज़्यादा माइग्रेंट असम में जाना स्टार्ट हो गई, वहाँ पे बसना स्टार्ट हो गई। आज़ादी के बाद इनकी संख्या और बढ़ी, होते होते दोस्तों इतना हो गया कि असम की जो डेमोग्राफी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, गांव के गांव इनके जाकर बस गए। अब ये जो बंगाल से लोग गए, ठीक है, इनमें अधिकतर कौन थे? बंगाली हिंदू। कौन थे दोस्तों? बंगाली हिंदू। और जो असम के लोग आए, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इनके आने से हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमारी जो कल्चर है या हमारी लैंग्वेज है उसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ, 1985 में एक असम एकॉर्ड बना, ठीक है दोस्तों, असम एकॉर्ड। इसके अनुसार ये डिफाइन किया गया कि भाई असम के नागरिक कौन होंगे, तो इसके लिए कंडीशन रखी गई कि जो लोग मार्च 24, 1971 से पहले असम मर आकर बसे हैं, असम में आकर बसे हैं, वो ही असम के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों, वो ही असम के नागरिक या देश के नागरिक कहलाएंगे। तो दोस्तों ये जो 1985 में असम अकॉर्ड बनी थी, इसमें एक डेट फिक्स की गई, मार्च 24, 1971।
उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, लेकिन माइग्रेंट का आना जारी रहा, उसके बाद भी लोग आते रहे, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी उसने काफ़ी वहाँ पे स्ट्राइक की, आंदोलन किए, और ये चलता रहा। 1999 आते आते सरकार ने कहा कि हम इसको अपडेट करेंगे एनआरसी को, मतलब कि हम ये तय करेंगे कि कौन असम का नागरिक है या कौन घुसपैठिया है। एनआरसी का जो मेन मकसद था वही था कि ये देखना कि कौन असम का नागरिक है और कौन घुसपैठिया है। तो जी आते आते क्या हुआ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी शुरू किया जाए, असम गवर्नमेंट को कहा कि एनआरसी स्टार्ट किया जाए। 2017 में दोस्तों गवर्नमेंट पब्लिश्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी, गवर्नमेंट ने एनआरसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। और एट लास्ट 31 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने एनआरसी का पहला वर्जन जारी किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई कि जो गवर्नमेंट ने पहला वर्जन जारी किया उसमें 9 लाख लोग घुसपैठियों के तौर पर पहचाने गए, 9 लाख लोग घुसपैठियों के तौर पर पहचाने गए, और उसमें से लगभग बंगाली हिंदू हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं लेकिन लगभग उसमें बंगाली हिंदू हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब एक बात और दोस्तों कही जा रही है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। अब असम के लोग या दूसरे लोगों को शंका यहाँ पे ये है कि देखिए जैसे असम में मुस्लिम भी बसे और बंगाली हिंदू भी बसे, तो बंगाली हिंदुओं को तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत नागरिकता मिल जाएगी लेकिन मुस्लिमों को नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इनको इनके वापस जहाँ से आए वहाँ पे भेजेंगे, उसके बाद इनको आना तो लीगल तरीके से आए, उसके लिए 11 साल की कंडीशन उन्होंने रखी है। तो दोस्तों CAB आपने समझ में आया कि 6 माइनॉरिटी ग्रुप हैं जिनको धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित थे उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। जबकि NRC क्या है, NRC का मकसद ये है कि भाई कौन यहाँ का नागरिक है या नहीं है, खासकर असम में, असम को लेकर है कि कौन असम का नागरिक है या कौन घुसपैठिया है। उसके लिए 1971 की ये कंडीशन तय की गई है, 24 मार्च 1971, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, या तो उनका नाम 1951 में जो सेंसस हुआ था उस NRC में उनका नाम, या फिर उनका किसी इलेक्टोरल रोल में उनका नाम हो, ठीक है, या फिर जो 24 मार्च 1971 से आकर असम में बसे हों तो उनको वहाँ का नागरिक माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका CAB CAA और NRC। तो दोस्तों अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइए। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।